हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल। कैसे आप सब लोग फ्रेंड्स? अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, ताकि मैं आप लोग की और हेल्प कर सकूं। अगर आप लोगों को कुछ एंजल गाइडेंस चाहिए, या मैं फ्री में एक एंजल गाइडेंस दूंगी, लेकिन आपको उसके लिए पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और कमेंट सेक्शन में लिखना होगा एंजल गाइडेंस, देन आई विल गिव यू व्हाट एंजल्स आर टेलिंग यू। ये एंजल आंसर्स, ये एंजल बॉक्स में से मैं आप लोग को एक आंसर आप लोग के लिए दूंगी। सो ओके, लेट्स स्टार्ट टुडे, बिगिन योर। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप लोग की रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपकी पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या करेंगे। देखिए, आज आपके कार्ड में थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटेकल्स एंड मैजिशियन, ये कार्ड दिखाते हैं कि आपके पार्टनर जो वाले थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, उसमें एकदम वो एकदम डिसइंटरेस्टेड हो गए, थोड़े एकदम उनको डाउट आ गया कि इतने आज तक जिन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे, दूसरी लड़कियों या लड़कों के साथ में इन्वॉल्व रहे, उनसे वो उनका एकदम एकदम वो उनमें इन्वॉल्व होने की सोच भी नहीं रही, उनको एकदम कन्फ्यूजन आ गया उनके बारे में, उन लोगों के बारे में, उनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स आ गए। ये आपके मैजिशियन कार्ड आता है तो वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत हर चीज़ में बहुत ऐसे स्मार्ट, मतलब थोड़ा चालू टाइप में भी होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन इनको अपनी पता होता है कि हम ऐसे करेंगे तो उनका रिज़ल्ट ऐसा मिलेगा, या वैसे करेंगे उनको रिज़ल्ट उनको उसका वैसा मिलेगा, तो ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट पर्सन होते हैं। लेकिन अभी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से कम्प्लीटली बाहर आ गए हैं, और इनको भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में कुछ इंटरेस्ट नहीं रहा है। देखिए, आपके पार्टनर, आप सिंगल हो, अगर आप सिंगल हो और आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, तो लेकिन आप भी पीस में हो, आप एकदम शांत हो, आप जरा भी ऐसे ऑब्सेसिव बिहेव नहीं कर रहे हो कि नहीं मेरा पार्टनर ना क्या कर रहा होगा, ये आप अपने आप में खुश हो बहुत, क्योंकि ये पार्टनर, ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि आप हर तरह से नाइन ऑफ पेंटिकल्स, हर चीज़ है आपके पास, बस आप वो एक पेंटिकल का वेट कर रहे हो जो आपको मिलना चाहिए, आपका पार्टनर, वो आप उस पेंटिकल का वेट कर रहे हो। और आपका वर्ल्ड कार्ड खुला है, मतलब आपका पार्टनर या तो फिर बहुत ट्रैवलिंग कर रहा होगा एट प्रेजेंट, या फिर वो बहुत है ना आउट ऑफ इंडिया जाते होंगे, या घूमते फिरने का उनका घूमने का कार्ड बहुत होता होगा। और वर्ल्ड कार्ड एक साइकिल कंप्लीट होने का भी रिप्रेजेंट कर रहा है, हो सकता है आप ट्रैवलिंग कहीं कर रहे हो, या बाहर गाँव जाने का सोच रहे हो, या घूमने फिरने का आउट ऑफ कंट्री का सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है कि वर्ल्ड कार्ड जनरली वही रिप्रेजेंट करता है। मैं तो इसके अंदर तुरंत ये कार्ड किंग ऑफ कप्स खुला है, इसलिए मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आपके आपके पार्टनर बाहर गाँव या घूमने के कहीं गए हुए हैं, और वहाँ से वो आ रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं। किंग ऑफ कप्स हमेशा रिप्रेजेंट करता है कि इंसान फुल ऑफ लव है, जब वो कप्स की एनर्जी में आ जाता है, जब पर्सन कप्स की एनर्जी में आ जाता है, तो समझ जाइए कि वो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, और बहुत ज़्यादा है ना आपके बारे में सोच रहे हैं। ये तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, उनको सोचना है, हमको देखना है कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। हमेशा डाउट्स पास्ट में, हमेशा वो डाउट्स में टू ऑफ सोर्स के एनर्जी में रहते थे, हमेशा वो सोचते थे क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये करूँ मतलब एक्शन लूँ नहीं लूँ, हमेशा यही यही दुविधा में हमेशा फंसे रहते हैं, एक्शन लूँ नहीं लूँ, एक्शन लूँ नहीं लूँ, हमेशा उनके पास टू ऑप्शंस रहते हैं। और इसकी वजह से लेकिन ना हमेशा वो हैंगमैन की पूछ रही, हैंगमैन में उनको देखो कोई लड़की उनको कुछ पिला रही पानी, मतलब उनको कुछ रिलीफ मिलती है आपकी तरफ से, जैसे आप उनको कॉन्टैक्ट करते हो, या आप उनसे अच्छी वजह से बात कर लेते हो, या कुछ भी ऐसा उनको मैसेज मिल जाता है आपकी तरफ से, तो वो बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं, हाँ कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए है, अभी भी वेट कर रहा है, तो उनको ये चीज़ उनको लिए एक रिलीफ का काम करती है। और ये सिक्स ऑफ कप्स है, सिक्स ऑफ कप्स का मतलब आपको या तो वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, पास्ट मेमोरीज है, ये डेफिनेटली आपके पास आने का सोच रहे हैं। सिक्स ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ रियूनियन ऑल्सो, सो आई फील योर पार्टनर इज डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट रियूनाइटिंग विद यू, और हमें वो आएंगे आपके पास, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे मिल रही है उनकी तरफ से, कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। नहीं देखते देखते उनसे ये कार्ड से हम क्लैरिफाई करते हैं कि ये ना उनके ये मूव वो लेंगे क्या, रियूनियन होने का कार्ड है, इसलिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है इस कार्ड से, सिक्स ऑफ कप से, कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं।
वो अभी बहुत पावरलेस फील कर रहे हैं, पता नहीं उनको ऐसे लग रहा है कि मैं जाऊं तो वो मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देंगी ना, या वो रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे ना, वो इस तरह से उनके आपके पार्टनर के बारे में इस तरह आपकी फीलिंग आ रही है, क्योंकि वो अपने आप को टाइड डाउन महसूस कर रहे हैं। कोई तो उनको, कोई तो बंधन है या तो वहाँ पे कोई उनके फ्रेंड्स है या पेरेंट्स है या कुछ ना कुछ फाइनेंशियली इशूज़ है जो उनको ना आगे बढ़ने के लिए रोक रहे हैं। ये बंधन उतरते ही वो डेफिनेटली आपके साथ में आएंगे, और ये प्लेन जैसे बोलते ना उनका दिल ऐसे कोरा कागज़ जैसा हो गया है, वो आपके आप चाहते हैं कि इसमें सिर्फ अब आपका ही नाम लिखना चाहते हैं और किसी और का नाम नहीं लिखना चाहते हैं इसमें, और कोई पास्ट पार्टनर या कोई भी दूसरी कोई पार्टनर है उसका कुछ भी इनके ऊपर नहीं। उनका दिल इस तरह से कोरा कागज़ हो गया है, अब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इस दिल के ऊपर अब वो सिर्फ आपका नाम लिखना चाहते हैं। देखते हैं पीपल्स टैरो डेक, ये मेरे बहुत फेवरेट कार्ड्स है। ये सारे कार्ड जीवर्स में घूम रहे हैं। देखो मेन फीमेल वो आपको ही अपना मेन पार्टनर समझते हैं, और जो फॉल्स पर्सन था उनकी लाइफ से अब वो निकल चुके हैं, और उनको समझने आ गया है कि वो पार्टनर के साथ में, जो पहले वाले पार्टनर के साथ में अगर वो रहेंगे तो उनकी कंडीशन ऐसे हो जाएगी, वो कॉफिन में पहुँच जाना, मतलब इंसान ऐसे डेथ जैसे महसूस करता है, कैसे रहते हैं मेरी लाइफ ही ख़त्म हो गई है। इसलिए वो उनको पुराने पार्टनर को पूरी तरह से भूल चुके हैं, और उनको मालूम पड़ गया है कि मेरा मेन पार्टनर यही है, और वो आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, आने के लिए बढ़ रहे हैं। हम एंजल्स से भी कन्फर्म करेंगे कि एंजल्स आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपके पार्टनर को क्या कहेंगे। देखो सक्सेस लास्ट कार्ड ही सक्सेस का है, मतलब 100% आपके सबको सक्सेस मिलेगी इस चीज़ में, आपके पार्टनर आपकी तरफ रियूनियन करने के लिए बढ़ेंगे विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आई डेफिनेटली आई थिंक योर पार्टनर विल कम विथ यू, जैसे ही वो उनके बंधन से मुक्त हो जाएंगे, ये बंधन उनको छोड़ देगा, जैसे ही उनको थोड़ी स्ट्रेंथ चाहिए इसके लिए, ये बंधन से बाहर निकलेंगे, वैसे ही वो आपके तरफ बढ़ेंगे। आपको सिर्फ बिलीव करना है, और अपने एंजल्स को इफ़ यू बिलीव, आपने एंजल्स साफ साफ बोल रहे हैं नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे, रियूनियन करेंगे आपसे, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ। आपको बिलीव करना होगा इस एंजल्स पे भरोसा रखना होगा, अपने गॉड पे भरोसा रखना होगा, और अपने एंजल्स से पूछिए कि प्लीज़ गिव मी क्लियर साइन, क्लियर आंसर कि मुझे मेरा पार्टनर मुझसे रियूनियन करने कब आएगा। मुझे डेफिनेटली लगता है आपके पार्टनर आपसे मिलने आएंगे, ज़रूर आएंगे, और आपसे रियूनियन करेंगे विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, बिकॉज आई टोटली बिलीव इन एंजल्स कार्ड। एंजल्स जो भी आंसर देते हैं वो हमेशा राइट देते हैं, और वो हमेशा आपसे सराउंडेड रहते हैं। कभी भी याद रखिए, हर पर्सन का एक कोई ना कोई गार्डियन एंजल्स होते हैं, या फिर कोई आर्क एंजल्स होते हैं जो उनको हेल्प करने के लिए इस धरती पे आते हैं। आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन है गार्डियन एंजल्स। सबसे पहले गार्डियन एंजल्स वो होते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं या हमारे पूर्वज होते हैं जो हमें हेल्प करने के लिए खड़े होते हैं, और आर्क एंजल्स ऐसे 12 आर्क एंजल्स हैं, लेकिन तीन आर्क एंजल्स को गॉस्पल में मेंशन किया हुआ है। वो एंजल्स स्पेशली हम लोग को हेल्प करने के लिए धरती पे रहते हैं, और हमारे बहुत करीब होते हैं। यही एक एंजल्स होते हैं जो हमारे बहुत करीब होते हैं, और जब उनसे हेल्प मांगते हैं तो डेफिनेटली वो हमें हेल्प करते हैं। देखिए ट्राइब द हैप्पी एंड कम टू द एज, आपके पार्टनर एकदम एज पे आ गए हैं, वो भी डिसीजन लेने के एकदम एज पे हैं। वो डिसीजन लेंगे और आपसे रियूनियन करेंगे। उनका एक ट्राइब है, एक वो क्या बोलते हैं सर्कल है, उनसे वो उनके अंदर है, वो बिजी है, इसीलिए वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। जैसे वो उस सर्कल से टाई डाउन से निकलेंगे वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, और वो बहुत खुश होंगे, आप भी बहुत खुश होंगे जब वो इस तरह का एक्शन लेंगे। जैसे आपके ये बहुत ज़्यादा खुश होंगे, आपके तो कार्ड 8, 8, 2, 2, 2 और 6, 8 ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो मुझे लगता है आपको शनिदेव की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए कि शनिदेव आपको मिलाएंगे, इसलिए शनि की पूजा जरूर करनी चाहिए। आप शनिदेव से प्रार्थना करिए, उनकी माला है, एक बीज मंत्र की माला होती है, वो आप रोज़ करिए, उससे डेफिनेटली आपको डिफरेंस दिखेगा और आपके पार्टनर जल्दी आपके पास आएंगे। फ्रेंड्स होप यू आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आपके पार्टनर आपके पास कब तक आएंगे, आपके रियूनियन करने के लिए जल्द से जल्द आएंगे। तो आपको अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मैं एक फ्री एंजल रीडिंग
आप लोग को दूंगी, लेकिन आपको लाइक और सब्सक्राइब करना होगा और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना होगा एंजल गाइडेंस, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू।